था पहले कोरोना ने मारा भाई और भाई लोगों, सबसे निवेदन है कि पहले कोरोना ने मार दिया हम लोगों को, अभी उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुला तो पेट्रोल और डीजल के इतने भाव बढ़ गए कि जैसे कि हमारी गाड़ियों से मतलब घर के खर्चे ही पूरे नहीं हो पा रहे भाई लोगों के। फिर भी मतलब डीजल दिनों दिन मतलब एक से एक बढ़ता ही जा रहा है, कभी एक रुपये बढ़ रहा है, कभी दो रुपये बढ़ रहा है। पहले लॉकडाउन से पहले 67 पे था, आज 102 पे चला गया। फिर भी पेट्रोल डीजल के भाव घटने की कोई संभावना नहीं हो रही है और टैक्सी ड्राइवरों के इतना ही बच पा रहा है कि खर्चे में मतलब 2000 का काम कर रहे हैं तो प्लस में 1500-1200 रुपये तो डीजल जा रहा है। इसके प्लस में जो हमारे 100-200 रुपये बच रहे हैं उसमें घर खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं और उसी के तत्काल में RTO के खर्चे आ जा रहे हैं, रोड खर्चे आ जा रहे हैं, अन्य का खर्चा है, कोई पुलिस खर्चा आ जा रहा है, जहाँ के ट्रैफिक पार करते हैं गलती से कुछ भी हो जा रहा है उसका भी चालान भरने के लिए कई बार तो टैक्सी ड्राइवर माइनस में ही चले जाते हैं। कोई ऑफिस में गाड़ी लगी हुई है वो भी माइनस में चली जाती है। पहले 27-28 हज़ार रुपये महीने में लगी हुई थी गाड़ियाँ, वो उसमें भी मतलब अभी किसी भी कंपनी के अंदर ये नहीं हुआ है कि हम पेट्रोल डीजल बढ़ गया तो इनका पेमेंट बढ़ाएं, कि इसलिए नहीं बढ़ा रहे कि हमारा तो एग्रीमेंट हो रखा है कि 3 साल तक आपको चलाना ही पड़ेगा, तो मजबूर होकर टैक्सी ड्राइवर उसी रेट में चला रहे हैं। लेकिन प्लस में ये माइनस हो जा रहा है कि डीजल इतने रेट से बढ़ती हुई संख्या के कारण जो हमारे मतलब पहले जो लॉकडाउन से पहले जो बचत आ रही थी वो अभी तक नहीं आ रही हमारे। और जैसे हमारे तो निवेदन है कि सबसे ही कि हमारे डीजल के रेट और कम हो जाए तो वही हमारे लिए एक बेनिफिट है, नहीं तो टैक्सी ड्राइवर भी अब कुछ दिनों में हड़ताल पे आने वाले हैं, यही देख रहे हैं कि आज दिन कल परसों 10 दिन 15 दिन जिस हिसाब से भी माहौल चल रहा हमारा, तो इसकी वजह से हम कुछ प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। जैसे अभी फर्स्ट नवरात्रि के दिन हमारे भाई लोग आए यहाँ पर पत्रकार, इन्होंने भी हमने प्रोसेस किया है, इन्होंने बुलाया गया है कि आप उस पेट्रोल पंप पे चलिए, थोड़ा हमारा रिक्वेस्ट लीजिए कि आगे हमारी कोई प्रोसेसन यहाँ कोई सुनने आए तो आते, कोई नेता ने नहीं सुना है, लेकिन भाई लोगों ने पत्रकार हमारा सहयोग दे रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह सिसोदिया है, जिला जयपुर है।